मोदी दे रहे हैं सरकार, सभी दे रहे हैं। और राहुल गांधी? राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर रहा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे? वो तो बनना ही नहीं है, वो तो ईश्वर जाने ऊपर वाला। तुम तो देख लेना बोले। अरे प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे नहीं बनेगा, कहीं से कहीं तक नहीं बने। इधर तो हरदा तरफ तो कहीं भी नहीं बने वो। पूरा कांग्रेस पार्टी कह रही है पहले मध्य प्रदेश में हराएंगे फिर केंद्र में हराएंगे। पूरे सहायता है उसकी, नरेंद्र मोदी की। इधर कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी? हाँ नरेंद्र मोदी जीतेगा देखना। आपकी मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा डायरेक्ट। जनता मोदी के? बस डायरेक्ट। कह रहे मोदी की लहर खत्म हो गई? नहीं नहीं, लहर चलेगी बहुत बुरी है अभी। अच्छा, आंधी बन जाएगी वो। आंधी? हाँ। कह रहे खत्म है मोदी? नहीं है, कोई खत्म नहीं है। कोई खत्म नहीं है? नहीं है कोई। मोदी मोदी है, कोई खत्म नहीं कर सकता उसको, मोदी जी को। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर हूँ, और सवाल 900 किलोमीटर दूर भी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी अब की बार फिर से बैठेंगे कुर्सी पर, या जो दिल्ली के साथ साथ तमाम राज्यों का गठबंधन बना है 28 दलों का, उसमें से कोई चेहरा होगा, या वो राहुल गांधी या वो केजरीवाल होंगे, कि अब की बार मोदी को हटाएंगे और कुर्सी पर बैठेंगे। सर क्या कहेंगे अब की बार 24 के चुनाव में किसकी होगी जीत? क्या लगता है, मोदी फिर से तीसरी बार, या अब की बार बदल गया समीकरण? जो दे रहा है वही जीतेगा, कौन जीतेगा? नहीं तो जो दे रहा है पब्लिक को फायदा वही जीतेगा। कौन दे रहा है पब्लिक को फायदा? मोदी दे रहा है, बीजेपी दे रही है, और कौन दे रहा है? मोदी। हाँ ये तो कह रहे कुछ नहीं दे रहे पब्लिक को फायदा मोदी तो। मोदी तो गए। कैसे गए? गए नहीं, गए जाएंगे नहीं ना, कैसे जाएंगे ये बताओ मेरे को। क्यों, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता दीदी हैं, ये तो बहुत दिन से है ना, 60-70 साल से। क्या करा है, कुछ करा क्या? वो गठबंधन नहीं बनाता ना जब भाई, अब गठबंधन बन गया। अब वो तो जो है ना, वो तो तिलक किसको लगेगा, वो तो ऊपर वाला ही जाने, जो काम बोलेगा आदमी का। अच्छा, दूसरा थोड़ी बोलेगा। तो मोदी पे इतना विश्वास है? मेरे को क्या, पूरी जनता को विश्वास है ना, क्या नहीं करा है बताओ जनता को, और क्या? नहीं तो एक को थोड़ी, सबको विश्वास है। वो तो कह रहे राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो अभी 1000 रुपये कौन दे रहा है? मामा। मामा दे रहा है ना, मोदी दे रहा है ना, तो फिर वोट किसको मिलेंगे? पब्लिक तो उसको देगी ना। राहुल को नहीं देगी? कैसे देगी बताओ ना, क्या विश्वास नहीं है राहुल गांधी पर? विश्वास होता है, जीत नहीं जाता अभी तक, इतने साल से क्यों नहीं हुआ? अब की बार जिताओ, अब की बार प्रधानमंत्री बनाओ, अब की बार यहाँ पे भी सरकार बनवाओ, हम भी देंगे, ज्यादा देंगे हम। जो देगा पब्लिक उसको ही वोट देगी। अच्छा, क्या कहते आप, जब गिरेंगे आंसू? क्या गिरेंगे मतलब, कब मरेगी सासू और कब गिरेंगे आंसू, और क्या है? कब मरेगी सासू और कब गिरेंगे आंसू? गिरेंगे? हाँ ये तो दे ही रहे ना, तो वो नहीं जीतेंगे तो कन्यादान कौन कर रहा है? मामा कर रहे हैं। अच्छा, कौन दे रहा है? लाडली बहन योजना कौन दे रही है? पहले था क्या ये बताओ मेरे को। मध्य प्रदेश भी हारेंगे मोदी, पहले मध्य प्रदेश में हराएंगे फिर केंद्र में। ये तो फिर वक्त बताया गया। अच्छा, ये दूसरा क्या बताएगा? ये गठबंधन मजबूत नहीं है? है नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, काम बोलेगा आदमी का, आदमी नहीं बोलेगा। चाचा राम राम। राम राम। क्या नाम है? जवर सिंह। जवर सिंह जी। उइके जी। अच्छा ये बतावा, मोदी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? मोदी आ रहा है। कहाँ आ रहे हैं मोदी? मोदी आएगा। वो कहाँ कर दिया मोदी? मोदी दे रहे हैं सरकार, सभी दे रहे हैं। और राहुल गांधी? राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर रहा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे? वो तो बनना ही नहीं है, वो तो ईश्वर जाने ऊपर वाला। ऊपर वाला जाने? हाँ। अच्छा चलिए, और आगे बात करेंगे, इधर चलेंगे चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा जयराम जी की। जयराम जी। कौन सा गांव है ये? सोडलपुर है। अच्छा मध्य प्रदेश में लगता है? हाँ मध्य प्रदेश में। अच्छा चाचा एक बात तो बतावा। हाँ। मोदी जी को जानते हो? हाँ जाना है। जाना है? देखियो टीवी में। टीवी में देखियो? हाँ घर जाकर नहीं देखियो? घर जाकर नहीं देखियो। अच्छा ये बताइए चाचा कि मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मोदी जी आएगा, जीत जाएगा, वो कहीं वोट देगा मोदी का ही। मोदी का ही देंगे? हाँ। वो तो बोल रहे हैं मोदी तो सब बेकार बेकार कर रहा है। नहीं अच्छा आदमी है, घर जाकर नहीं देखिए लेकिन अच्छा आदमी है, जब तो ये कचौड़ी भर रहा है। अच्छा हाँ, तो राहुल गांधी आएंगे तो कचौड़ी थोड़ी भरनी पड़ेगी? नहीं नहीं राहुल गांधी नहीं आए, वो को वोट ही नहीं देवा। वोट ही ना देवे राहुल गांधी को? हाँ नहीं देवा वोट। अरे इतने बड़े नेता है राहुल गांधी? अरे नहीं हमारे भैया। अरविंद केजरीवाल को जानस हो? हाँ जब तो यानी वो 1200 रुपया दे रहे हो, जब तो देंगे वोट। हाँ अंधा आदमी, जब तो वोट देंगे वो। तो मोदी को क्यों दोगे? वो कहीं तो देगो, ये कचौड़ी का पैसा तो दिलवाएगो। अच्छा। ये गिरा कौन खाएगा, पैसा मिल जाएगा। अच्छा हाँ। राहुल पे विश्वास नहीं है? नहीं। राहुल पे विश्वास नहीं है? वो नहीं देगा। कांग्रेस पे विश्वास नहीं है?
भाई साहब आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, सब सहायता तो अपने नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, घर की गोटी लेटरिन बाथरूम सब तो, सड़क मड़क सब तो बना रहा है। हाँ तो कहा राहुल गांधी के जितवाएगा, राहुल गांधी का ना जितवाएंगे, नहीं हारेगा वो तो, तुम तो देख लेना बोले। अरे प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे नहीं बनेगा, कहीं से कहीं तक नहीं बने, इधर तो हरदा तरफ तो कहीं भी नहीं बने वो। पूरा कांग्रेस पार्टी कह रही है पहले मध्य प्रदेश में हराएंगे फिर केंद्र में हराएंगे। पूरे सहायता है उसकी नरेंद्र मोदी की, इधर कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी, हाँ नरेंद्र मोदी जीतेगा देखना आपकी, की बार हारेंगे। अरे अरे तुम तो देख लेना भैया। अरे भैया तुम देख लेना, मैं बताऊंगा तुमको तो। लाल भैया मिलेगा, तुम देखना आपकी बार मोदी गए। अरे भैया नहीं मिलेगा, हाँ कुछ नहीं हो सकता। पढ़िए नहीं नहीं हिली, ऐसे नहीं हिली, ऐसे कैसे हिल जाएगी। चाचा रुको रुको, चाचा रुको, चाचा रुको, गाड़ी को रोको। ये बताओ क्या नाम है आपका? नन्नेलाल। नन्नेलाल, हाँ चाचा एक बात तो बताओ, कह रहे मोदी की कुर्सी हिली पड़ी है 24 में? मेरे को नहीं मालूम यार, मैं समाचार भी सुनता, मेरे को समाचार भी नहीं सुनते। नहीं राहुल भैया कह रहे गए मोदी, वो कहते होंगे, मेरे को नहीं मालूम यार भाई। क्या लग रहा है मोदी आ रहे कि जा रहे? यार भैया आप तो जाने का तो है ही यार, जाने का तो सबके मुंह के सुने तो हमने भी कह दी जाने क्या है। हाँ? और का? कौन आने का है? अब राहुल ही आएगा। राहुल? हाँ? राहुल? हाँ? राहुल भैया? हाँ? तुम्हारे भैया? नहीं नहीं हम तो अरे भैया किसी का नहीं है पर अच्छा? देश का तो है, देश का भैया। हाँ? चाचा कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं, कहाँ गए वो भैया? वो तो गायब हो गए यार एकदम। हाँ जी दादा, अरे सुनो तो सही, अरे रुको, अरे रुक तो जाओ यार, सुनो तो सही। अच्छा सुन तो लो, डर क्यों रहे हो यार? अच्छा मैं कोई वैसा सवाल नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहा। अच्छा नाम बताओ आप? राजेश गुर्जर है। तो एक बार हाथ मिलाओ फिर। आप राजेश गुर्जर, मैं विनोद शर्मा। तो आप मुझसे डर क्यों रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कह रहे हैं मोदी जी और राहुल गांधी में टक्कर है। टक्कर है क्या? हाँ टक्कर है ना, जोरदार टक्कर है। कौन जीत रहा है? मोदी जी। मोदी जी? हाँ मोदी जी जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं 28 दलों में भी टक्कर है आपके पास। हाँ मोदी जी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे इस बार फुल। ये जो दल बन रहे हैं, ये दल बन रहे उससे कुछ नहीं होगा, मोदी जी का एक ही दल काफी है सबके ऊपर। मोदी का एक ही दल? एक ही दल काफी है, 28 के ऊपर एक ही भारी है। ठीक है भाई, ये तस्वीर देख लो आप, जो लोग स्टूडियो में बैठ के पूरा गणित सेट कर रहे हैं, लेकिन मैं विनोद शर्मा ग्राउंड पे खड़ा हूँ, जमीनी स्तर से आपको सर्वे दिखा रहा हूँ। ये सर्वे 2024 का है और ये सर्वे इन 5 राज्यों का भी है, जो लोग कह रहे हैं कि 5 राज्यों में भी मोदी की लहर खत्म हो गई है और अब केंद्र में भी लहर खत्म कर देंगे। क्या कहेंगे लोग? तो कह रहे हैं कि 5 राज्यों से भी, मध्य प्रदेश से भी सरकार गई और मोदी की भी कुर्सी गई। नहीं मोदी जी अच्छे हैं पर उनके विधायक जो है ना बहुत गड़बड़ है, सांसद। हाँ सांसद और विधायक। हाँ। पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा डायरेक्ट, जनता मोदी के। बस डायरेक्ट कह रहे हैं मोदी की लहर खत्म हो गई। नहीं नहीं लहर चलेगी बहुत बुरी है अभी। अच्छा आंधी बन जाएगी वो आंधी? हाँ कह रहे खत्म है मोदी। नहीं है कोई खत्म नहीं है, कोई खत्म नहीं है। नहीं है कोई मोदी, मोदी है, कोई खत्म नहीं कर सकता उसको मोदी जी को। ये राहुल गांधी, प्रियंका दीदी, ममता दीदी, ये कहाँ जाएंगे? ये सब नकली फेक है, ये नकली फिरके है। हाँ नकली फिरके, नकली फेक है, ये नकली फेक है। हाँ बोलने का काम है, करने का कुछ नहीं है, करने का कुछ नहीं है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी में क्या जादू है ऐसा? अरे मोदी में बहुत कुछ जादू है, उसमें जादू ही जादू है। 56 इंच का सीना है क्या? एक और बढ़ा दो 57 इंच। हाँ